यो जमा दादी एंड हैव अ ग्रेट वंडरफुल सुपर फैंटास्टिक डे भाई सभी को। और गर्मियाँ हो गई हैं शुरू हो गई हैं, वही वाली बात है। एंड अभी मेरे को जाना है कहीं काम से, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं और फिर आके मिलूँगा आपसे। ओके, कुछ काम है। बाकी वातावरण कुछ ऐसा है, ये देखो आप, एक बार पूरा व्यू आपको दिखा दूँ मैं। ये इस तरीके का कुछ वातावरण है भाई, और वो मेरा टॉवल सूख रहा है देख। एंड अभी ये वाली शर्ट मुझे लगता है कि आज शायद आखिरी दिन या इसके बाद बस एक दो बार ही मैं पहन पाऊँगा, क्योंकि ये सर्दियों वाली है, जो शायद वो जूट का कपड़ा होता है ना, वो बोलते हैं आई गेस इसको, जो मोटा होता है सर्दियों में पहनते हैं। क्योंकि सर्दियों ने भाई इतने जल्दी इस बार बाय बाय बोल दी कि अरमान अधूरे रह गए सर्दियों के कपड़े पहनने वाले। एंड बाय द वे भाई, आप बताएं क्या चल रहा है जीवन में? और मक्खन वक्खन कुछ निकल नहीं पाया यार कल ना, सही में तो इसीलिए क्या ही कर सकते हैं। खैर मैं काम जाके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, लेट्स गो। तो गाइस भाई पूरा दिन बहुत ही बिजी रहा, लेकिन अब मैं आपको मिलवाता हूँ अगेन कुछ उन चेहरों से जो बहुत दिनों से आपने देखे नहीं है, लेकिन आप पहले देख चुके। तो भाई इनको तो आप जानते ही हैं, और इधर है भाई अपने विपुल भाई, बहुत दिनों बाद आए हैं ब्लॉग में। और ये है भाई अपना नन्ना मुन्ना बिल्ली छोटी सी बिल्ला है, बिल्ला बिल्ला है ये छोटा सा प्यारा बिल्ला है। और ये अपनी बहन नेहा, फाइनली आज गोप्रो में आ गए हैं, तो क्लैरिटी बहुत ही अच्छी आने वाली है। और उधर बैठी है नेहा की मम्मी जगत माता, मैं बड़ी मुश्किल से मंजे में से उठी हूँ। आय हाय, मंजे इनको उठने ही नहीं दे रहा था मंजे ने। और भाई अंकल लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम आज, टी शर्ट और लोअर में देखना। और ये देखो मामा जी बना रहे हैं व्लॉग, आज मेरा बेटा आएगा व्लॉग में, ये अपना व्लॉग में इसे जरूर देखना। हाँ जी, और कमेंट सेक्शन में बताना ये शिविंग की कैसा लगा, बड़ा हो के कैसा बनेगा शिविंग गर है। और भाई शिवी एकदम रेडी टू रोक है, थोड़े दिनों में देखना व्लॉग में एक मुझसे गोप्रो छीनने लगेगी, मामा जी मेरे को दो मेरे को शूट करना है, वो दिन दूर नहीं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, शायद आपको बताइए कि आज भाई अंकुश भाई जा रहा है वापस। वो देखो अंकल, देखो समोसे पूछ रहे हैं ले आओ कोई नहीं अंकुश अरे कहाँ खत्म, उन्होंने और इतने दिन हो गए डाइटिंग की तो तसल्ली कर रखी है, देखियो कितना फैट हो गया। तो यार मैं कह रहा था कि अपना भाई अंकुश आज फ्लाइट है उसकी, तो वो अभी मार्केट गया कुछ सामान लेने, तो फाइनली यार वो भी जा रहा है अब, मत क्या ही करें, दिस इज़ एक्चुअली रियलिटी ऑफ लाइफ कि भाई उसको जाना है अब बैक टू वर्क। एंड यूरोप में है एज आई नो आई टोल्ड यू कि जो अपना अंकुश भाई है, तो अभी आ जाए वो, फिर उससे मिलवाता हूँ, ठीक है देखते हैं। और आंटी का मन लगाने का जो जिम्मा है वो उठाया है शिवी ने, अभी अपनी नानी का ध्यान रखेगा शिवी, देख लो। और भाई अंकल ले आए हैं समोसे और चटनी, तो अभी थोड़ा सा ध्यान इनका भी देना पड़ेगा समोसों का तो ये आ गया अपना भाई, और फाइनली यार 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद भाई आज जा रहा है यूरोप। अंकुश भाई कुछ बोल, बस धड़कना तेज होगी दोबारा अगेन जाने काम तो करना ही है, काम है एक्चुअली यार, तो इसलिए जाना पड़ेगा। एंड बस यस, टाइम बढ़िया स्पेंड हुआ भाई के साथ, पूरी मस्ती की हमने सोनू की शादी में पूरी फैमिली ने, इसने बहुत सारी डांट भी खाई छोटा है क्योंकि घर में तो भाई डांट पड़ती है, एंड पार्ट ऑफ लाइफ है छोटे बच्चों के लिए। खैर ये बैग इसने पैक कर लिया है यार, इसका ज़्यादा सामान नहीं है, ये ठीक है इसकी बात, सिंगल बंदे का ना ये फ़ायदा होता है। सोनू की शादी हो रखी थी भाई, उसकी अटैची इतनी सारी थी, इतने सारे बैग्स थे उसके, तो ये कि अंकुश के जाऊंगा थोड़ी देर, एक हैंड बैग है और एक खाली वो ट्रैवलर वाला बैग है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं है। बस यार थोड़ा पेरेंट्स के लिए टफ रहता है अपने बच्चों को, यू नो ऐसे जब जाने का टाइम आता है ना तो विदाई टाइप वाली फीलिंग आ जाती है यार, इमोशन और ये सब, अंकल को बड़ा दिक्कत रहती है इस चीज़ को लेके। और विपुल भाई जैसे आपको बताइए एकदम से परफेक्ट फादर और पति वाला रोल प्ले कर रहे हैं, अभी बच्चे की शीशियाँ यहाँ पे उठा के घूम रहे हैं दूध वूध पिलाना, तो भाई भाई साहब ने नेक्स्ट लेवल की इंस्पिरेशन दे रखी है जितने भी फादर टू बी और जो अभी फादर बने हुए हैं लोग उनके लिए। ये उबालो किस चीज़ में? उस वो ले लो ना, ये कैसे इसमें नहीं होने, देख लो एक बार। तो यार मामा भांजा का प्यार चल रहा है, फाइनल बातचीत कर रहा अंकुश अपने भांजे से ठीक भी है, बच्चे ठीक हैं
शरारत नहीं करनी अपन, फिर घूमने आएगा अंकुश के पास। देखिए ओए होए, ये भाई गोप्रो की तरफ देख रहा है कि भाई साहब ये के मुछो वाला मामा क्या उठा के घूम रहा है डंडा। हाँ ये टेक सेवी बनेगा बंदा, गूगल माइक्रोसॉफ्ट। तो भाई खाना लग चुका है, तो अंकुश भाई के साथ फाइनल डिश शेयर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो एक चांस मिला भाई के साथ फाइनल दो बुड़कियाँ खाने का, दो निवाले खाने का, उसके बाद तो फिर ये बाहर ही है, फिर तो ये यूरोपियन डिशेस खाएगा कुछ भी भाई, वेज नॉन वेज और सब कुछ। ओए होए ये देखो भाई बोले बेटे, वैसे पुर्तगाल की मेन डिश क्या है भैया? यही है चिकन वगैरह ही खाते ज्यादा, बॉयल नहीं, बॉयल चिकन नहीं भाई, मैं वेजिटेरियन हूं एक्चुअली, हो गया पिज्जा स्ट्रिक्ट, हो गया टोटली प्योर वेजिटेरियन। मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता जनरली बताऊं ना, बिकॉज़ हेल्थ इज फर्स्ट भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो गाइस अब टाइम आ गया भाई अलविदा लेने का, तो मैं पहले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को घर जाना है, कल कुछ काम है गांव में जाना है। हम भी मिलते हैं तो भाई से मिलते हैं बढ़िया से, और अपना सपोर्ट दे के रखो बढ़िया से, भाई को अपनी ब्लेसिंग्स दो, और जल्दी मिलेंगे एक साल बाद फिर अगेन, अपनी जान है क्योंकि अपना छोटा भाई है प्यारा। गॉड ब्लेस हिम, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय।